नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर छोटे से बड़े अपडेट से अवगत कराते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज हम जन्म और मृत्यु के पोर्टल पर यह देखेंगे कि किस तरह से हम यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है, दुर्घटना से हो जाती है, तो उनका जो है मृत्यु प्रमाणपत्र किस तरह से हम बना सकें। ठीक है, मैंने दोस्तों जन्म और मृत्यु की एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रमाण पत्र की जो है पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से और भी वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में यही दिखाऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ हुई है ना, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट हम किस प्रकार बना सकें। ठीक है, तो पूरा दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आप पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप देखेगा, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन में जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो और बिल्कुल सही सही रजिस्ट्रेशन हो। और फिर पूरी प्रोसेस ये बताऊंगा किस तरह से आप प्रिंट कर और सिग्नेचर कर जो है जो भी मृत हुए हैं व्यक्ति उनके रिलेटिव्स को घर वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान कर पाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेगा। डेथ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट तो पता ही है, मैं एक बार और आपको कह देता हूँ। आपको गूगल सर्च में या ब्राउज़र के यूआरएल में डालना है crsorgi.gov.in, मतलब crsorgi.gov.in। जैसे ही ये डालेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरह से होम पेज आ जाएगा, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ठीक है, तो मैंने दोस्तों इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि कैसे कैसे कार्य करना है। और मैं दोस्तों आज जो दिखाने जा रहा हूँ आज यही है कि यदि किसी व्यक्ति का आपके पंचायत क्षेत्र में आपके क्षेत्र में यदि एक्सीडेंट हो जाता है, तो दुर्घटना हो जाती है, तो उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट किस तरह से हम बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पोर्टल ओपन कर लिया है। इसके बाद सीधे हम यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा कोड लिखकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूज़र लॉगिन, तो आपको सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। प्लीज़ एंटर 6-डिजिट OTP रिसीव्ड ऑन यूर मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। आप एंटर OTP यहाँ पर डाल दें 6-डिजिट का, और फिर सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से जैसे ही होम स्क्रीन आती है, इसके बाद जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया हम कहाँ जाते हैं, सीधे डेथ ऑप्शन पर। ठीक है, तो इसमें भी इसी ऑप्शन पर जाएंगे, सीधे डेथ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे जैसे ही आएंगे 8 डेथ रजिस्ट्रेशन, तो हम इस ऑप्शन पर अब क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, तो प्राइमरी लैंग्वेज हम इंग्लिश को ही रहने देंगे। सेकेंड लैंग्वेज जो है हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र जो बने आवेदक का जो जिनकी मृत्यु हुई है, तो वह हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बन जाए। ठीक है, यहाँ फॉर्म नंबर हम नॉर्मली 02 दे देते हैं, 01 देते हैं जन्म को और 02 मृत्यु प्रमाणपत्र को। ठीक है, आपको यदि और कोई सा देना है तो आप अपने हिसाब से आपकी डायरी अनुसार भी दे सकते हैं, आपने यदि रजिस्टर बनाया उसके अनुसार भी यहाँ पर फॉर्म नंबर दे सकते हैं। रिपोर्टिंग दिनांक, किस दिन आपको पता चला वो यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से मैंने बताया आपको ये ओपन हो जाता है, आप यहाँ से मंथ और सब ईयर सब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मृतक की सूचना देना है, तो डेट ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु की तिथि है वो यहाँ पर लिखना है, वो भी हम इससे सेलेक्ट कर लिख देंगे। इसके बाद सेक्स लिंग लिखना है, सेलेक्ट जेंडर कौन सा है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद उम्र आपको सेलेक्ट करना है, आप किस में देना चाहते हैं, ईयर्स में देना चाहते हैं तो ईयर्स में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप मंथ में देना चाहते हैं तो मंथ में, यदि आप डेज में देना चाहते हैं तो डेज में, और आवर्स में तो आवर्स में। तो हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ईयर्स में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला नाम आपको लिखना है, बिल्कुल सही सही जो आपके जो आप जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके आधार कार्ड आप जरूर ले लें, उसके अनुसार ही नाम लिखें। जैसा कि अधिकतर चीज़ें आधार से लिंक हो गई हैं, इसमें कंपलसरी तो नहीं है आधार नंबर, लेकिन आप आधार नंबर भी जरूर डालें इसमें। ठीक है, तो पहला नाम बिल्कुल सही सही लिख दें, मिडिल नाम लिख दें, फिर लास्ट नाम, यदि कोई सा नहीं है मिडिल नाम नहीं है तो लास्ट नाम और फर्स्ट नाम।
ईआईडी नंबर तो आप ब्लैंक रहने दें, आधार नंबर जो है वो जरूर लिखें, यहाँ ऑप्शनल है लेकिन लिख जरूर दें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बार सब बता देता हूँ, फिर मैं पूरा फिलअप करके आपको दिखा दूंगा। प्लेस ऑफ डेथ, यहाँ जो है आपको मृत्यु का स्थान चुनना है, हॉस्पिटल में हुआ है या हाउस में हुआ है या अदर्स में, ठीक है। आप जहाँ भी हुई है मृत्यु वो आप लिखेंगे। उसके बाद यदि अस्पताल सेलेक्ट किया तो यहाँ अस्पताल आएगा, आपके मेन जिले कार्यालय से यहाँ पर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड रहना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल में यदि हुई है तो हॉस्पिटल से ही बन जाएगा। इसलिए हम यदि हाउस में हुई है या अदर्स अदर्स में लिख देते हैं। मान लीजिए आपके पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत की जो रोड आ रही है, यदि मान लीजिए हाईवे भी और आपके पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो अदर्स में लिखकर उसका पूरा पता लिख दें आप, है ना। यहाँ पूरा पता लिख दें कहाँ मृत्यु हुई है, फिर पति या पत्नी की सूचना, जैसे मेल है तो पत्नी की सूचना, ये कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी प्रकार पिता की सूचना कंपलसरी नहीं है, देना चाहें तो दे सकते हैं, दे देना चाहिए या तो पत्नी की या पति की या पिता की, जिससे कि आपका वो रहे कि किनके यहाँ से मृत्यु हुई है। इसी प्रकार माता की सूचना कंपलसरी नहीं है, देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मृतक के समय मृत्यु के समय मृतक का पता, तो पता पूरा लिख दें। उसके बाद मृतक का स्थायी पता यहाँ लिख दें, और फिर आपको सूचनादाता, आपको सूचना किसने दी उनकी पूरी जानकारी, या एड्रेस और पिन नंबर, और उनका भी जो सूचनादाता उनका आधार नंबर यदि देना चाहें तो वो लिख दें, ऑप्शनल है लेकिन देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। चलिए मैं करता हूँ इसको पूरा फिलअप। ये पूरा फिलअप करने का दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया आप लोकलिटी डाकघर लिख दें, राज्य लिख सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट कर लें, जिला सेलेक्ट कर लें, उप जिला जो आ रहा है जो तहसील में वो लिख लें, गांव शहर जो आपके अंतर्गत आ रहा है, जैसे एक ग्राम पंचायत 3 गांव है, तीनों गाँव में से जो इस गाँव में हुई वो लिख लें आप यहाँ से। इसके बाद हमें सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ लिखा आएगा जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं, वो लिखा आएगा कि मदर्स नेम लेफ्ट लेफ्ट ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेट बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, उप डिस्ट्रिक्ट भी जो हमारा तहसील है वो लिखी जाएगी। इसके बाद इज इट टाउन और ए विलेज, तो विलेज टाउन या गांव का नाम, तो आप यहाँ से नाम सही जिस आपकी ग्राम पंचायत का जो गांव है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद वर्ग धर्म रिलीजन कौन सा है वो यहाँ पर कर लें आप, बुद्धिज्म बौद्ध है, क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, इस्लामिक हैं, जैन है, नो रिलीजन कोई धर्म नहीं है, अदर अन्य या सिख, ठीक है। मान जैसे कि इसमें हिंदू है तो हिंदू पर सेलेक्ट कर लिए। ऑक्यूपेशन क्या व्यवसाय था, व्यवसाय पता है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट नोन पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, चिकित्सा ध्यान के प्रकार से मृत्यु से पहले प्राप्त, क्या जो है चिकित्सा ध्यान के प्रकार मृत्यु से पहले प्राप्त, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ चिकित्सा ध्यान के प्रकार मृत्यु से पहले प्राप्त, टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, यदि हुआ है तो मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूशन, पहले पे क्लिक करें, नो मेडिकल अटेंशन तो इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहला है तो पहले पर। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वाज द कॉज ऑफ डेथ इमीडिएटली सर्टिफाइड, मौत का कारण चिकित्सीय प्रमाणित किया गया था, तो इसमें यस या नो है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नो पर क्लिक रहने देते हैं यदि प्राकृतिक मृत्यु होती है, चूंकि एक्सीडेंटल केस है और चिकित्सीय प्रमाणित हुआ है, वहाँ से जो पीएम जो होता है पोस्टमार्टम जो होता है वो हुआ है, चिकित्सीय प्रमाणित हुआ है, ठीक है, तो यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रोग का नाम या मौत का वास्तविक कारण, तो आप मौत का वास्तविक कारण यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है यदि पहले से कोई कारण है, पूर्ववर्ती कारण या अंतर्निहित कारण कुछ है तो वो, अदर कारण है तो यहाँ, तो हम मेन रोग का नाम या मौत का वास्तविक कारण यहाँ पर लिख देंगे, जैसे एक्सीडेंटल है तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम एक्सीडेंट का लिखना ही शुरू करेंगे ऐसे ACCC, तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। एक्सीडेंट ऑन बोर्ड वाटर क्राफ्ट विदाउट एक्सीडेंट टू वाटर क्राफ्ट नॉट कॉजिंग ड्रॉइंग एंड सबमिशन, है ना, नॉन पावर्ड एयरक्राफ्ट, ये कई सारी चीज़ें इसमें आने लगेंगी। एक्सीडेंट फॉल्स यदि गिरने से किसी नदी या कुएं में किसी में गिरने से मृत्यु हुई तो वो आ जाएगा, पॉइजन लेके हुई है तो वो आ जाएगा, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं। यदि इसमें आपका वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप अदर कास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, मशीनरी में यदि कुछ एक्सीडेंट हो गया है काम करते हुए तो वो, यदि यहाँ आपका मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गए जैसे इस केस में, तो हम अदर कास्ट में वो लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ हम पूरा उसको डिटेल लिख देंगे।
दोस्तों हम इसमें जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं, हमें इसमें एक्सीडेंट ऊपर भी वही आ रहा है, यदि हम यहाँ भी करेंगे तो वो जो उनके ऑप्शन है उसी में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे यही है तो एक्सीडेंटल फॉल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल से मान लीजिए गिरने से ही मृत्यु हुई है, तो हम यहाँ पर उसको एक्सीडेंटल फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब गिरने से मृत्यु हुई। ऐसे कई सारे हैं इसमें, कटिंग करते समय कुछ हुई है, या ये और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर पॉइजनिंग के हैं, तो हम इसमें एक्सीडेंशियल फॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि गिरने से मृत्यु हुई है, पूर्वती कारण कुछ था ये नहीं, अंतर्निहित अदर काज रहने देती। अब यहाँ हम लिख देते हैं मृत्यु का ढंग, क्षति कैसे हुई थी। ये यदि आप ब्लैंक भी, ये वाला ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ फिलअप कर दें। यहाँ आ रहा है दोस्तों नेचुरल प्राकृतिक हुई, एक्सीडेंटल दुर्घटना, सुसाइड हुई है, आत्महत्या, होमिसाइड हुई है, मानव हत्या हुई है, या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या लंबी जांच में भी है। तो ये चूंकि एक्सीडेंट हुई है तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्सीडेंट दुर्घटना, ये वो सही सेलेक्ट करना। यदि ये आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे, यहाँ तो यस लिखना ही है ना, यहाँ यदि ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप कोई सा भी जो आप सेलेक्ट करें इनमें से वो सेलेक्ट कर लें, जितना मैंने आपको बताया इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ जरूर लिखें आप एक्सीडेंटल दुर्घटना, ठीक है। तो एक्सीडेंट दुर्घटना पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये पूछते हैं कुछ, धुआं सिगरेट विगरेट पीते थे क्या, धुआं आदतन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि कुछ जानकारी भरना है तो आप लिख सकते हैं कितने से करना है, जैसे 1 साल या 2 साल या 3 साल, ऐसे ही नहीं तो रहने दें। तम्बाकू चबाने के लिए इस्तेमाल करते थे क्या, तो यदि वो थे तो वो भी 1, 2, 3 इस तरह से आपको एंट्री करना है, ठीक है। पान मसाला कुछ चबाना, सुपारी है तो वो लिखना है, तो वो लिख दें। कितने साल के लिए आदतन शराब पीने के लिए प्रयोग किया था, यदि वो है तो कोई वो अंकल लिख दें, ठीक है। ये कुछ नहीं है तो आप सीधे अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, अपलोड रिपोर्टिंग प्रपत्र, मृतक सूचना, मृतक की सूचना जो इनके जो आवेदक आए हैं जिन्होंने मृतक की सूचना दी है, वो कोटवार हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, या फिर उन्हीं के रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, या आम व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने जो सूचना दी है, जिस भी जैसे मान लीजिए इन्होंने पीएम रिपोर्ट पर लिखवा के पूरी सूचना दी है, शपथ पत्र भी दिया है सूचना के लिए, तो सब उनकी जो फाइल है उसको आप पीडीएफ में अपलोड कर लें, स्कैन कर लें, फिर यहाँ चूज फाइल कर कर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों आप टिप्पणी में यदि कुछ लिखना चाहें तो वो लिख लें, यहाँ आप जो फाइल ओपन करेंगे वो नाम दिखने लगेगा, इसका टिप्पणी में कुछ लिखना है तो वो लिख दें, नहीं तो ओके लिख दें और सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से एक बार प्रीव्यू हो जाएगा, डेथ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु का स्थान पूरा, आपका फॉर्म नंबर सब, पंजीकरण तारीख आ जाएगी है ना, और रिपोर्टिंग दिनांक, सारी चीज़ें पूरी, आवेदक की पूरी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सभी जो हमने फिलअप करा पूरा एक बार दिखेगा, नाम वाम सभी जो भी हमने चीज़ें फिलअप करी हैं, उसके बाद हमें क्या करना है ये देखिए। इसके बाद दोस्तों जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ ये भी दिखेगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड जो हमने करा है, फाइल क्लिक टू सी रिपोर्टिंग अपलोड, जो हमने अपलोड किया वो यहाँ से देख भी सकते हैं हम, ये पूरा कन्फर्म कर लें कि सब चीज़ें सही हैं, तो कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ लीगल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, विधिक सूचना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन यूनिट, सेक्स, लिंग, विलेज, टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारी डिटेल आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ ऑप्शन दिखेंगे एड नेक्स्ट रिकॉर्ड, जनरेट सर्टिफिकेट, या व्यू डेथ रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ठीक है। तो इसमें अभी हमें क्या क्या क्लिक करना है, जनरेट सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से जो है सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, यहाँ लिखा भी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, डिपार्टमेंट है ना ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स, ग्राम पंचायत आपका नाम रहेगा, फिर ग्राम पंचायत का मृत्यु पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ये पूरे जो धारा हैं, नियम हैं, वो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे लिखे हुए। इसके बाद पूरी जो आवेदक और जो जिनकी मृत्यु, उनकी पूरी जानकारी आ जाएगी जो हमने फिलअप करी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका दोस्तों जारी करने वाला अधिकारी, इश्यूइंग अथॉरिटी, उप रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु, सब रजिस्ट्रार, बर्थ एंड डेथ, ग्राम पंचायत का आपका नाम आ जाएगा, ग्राम पंचायत आपका वो इंग्लिश में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर करना है, जैसे ग्राम पंचायत में उप रजिस्ट्रार जो हैं, सब रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत सचिव महोदय रहते हैं, तो उनको यहाँ पर साइन करना है, और जो जन्म मृत्यु उप रजिस्ट्रार की जो सील और साइन है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जारी करने वाले अधिकारी प्राधिकारी, तो उप रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव महोदय रहते हैं, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, और या तो पूरी एक अपनी जो सचिव की रहती है सील वही लगा सकते हैं, या फिर
जन्म मृत्यु की एक सील भी बनवा लें, उपरिष्ठार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का नाम और उसकी सील लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सील और साइन कर कर ये प्रिंट पहले प्रिंट कर लें और सील साइन कर कर हितग्राही को प्रदान कर दें, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, मैं प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ आपको। प्रिंट करने का दोस्तों इस तरह से पूरा जो है आपका मृत्यु प्रमाणपत्र जो आपने बनाया है वो यहाँ से दिखने लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाणपत्र ये पूरा दिखने लगेगा, पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपने चेक करी, ठीक है। तो इसका आप पीडीएफ रूप में सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में, एक पंचायत के रिकार्ड के लिए, और आप इसकी दो कॉपी लेके एक कॉपी पंचायत रिकार्ड में रखते हैं और एक कॉपी हितग्राही को, जो भी उनके घर के रिलेटिव हैं, जो भी जिन्होंने भी आवेदन किया है उनके घर में जो भी सदस्य हैं उनको प्रदान कर दें, ठीक है, जिससे कि उनको आगे भी जिस भी योजना में लाभ लेना है वो लाभ ले सके, अनुग्रह सहायता राशि हुई या और भी अंत्येष्टि सहायता राशि जो भी हुई उसमें लाभ प्राप्त कर सके। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, तो ये पूरी प्रोसेस है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको और भी अपडेट से अवगत कराते रहूँगा, इसके डेथ एंड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी, बर्थ पे भी और बनाते रहूँगा वीडियो, और डेथ रजिस्ट्रेशन पर भी, और भी रिपोर्ट्स रिपोर्ट सभी पर आपको बना के वीडियो बताते रहूँगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।